हम इसे कट करके देखते हैं। चिकन मायो रोल्स। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी होते हैं। इसमें कम मसाले डलते हैं तो इसे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी मेयोनीज तो बच्चों का फेवरेट होता है। तो चलो बनाते हैं आज की हमारी रेसिपी चिकन मायो रोल्स। मैंने एक बोल में 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल और मैश करके ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी नमक, 1/2 कप हम इसमें डालेंगे श्रेडेड चिकन, 1 छोटी कैप्सिकम को मैंने कट करके ले लिया है, 1/2 चम्मच क्रश रेड चिली, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, 3 टेबलस्पून हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मेयोनीज डालने की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो अगर इस वक्त हम इसके रोल बनाएंगे तो वो थोड़े टूटेंगे, बराबर से बनेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो मैं इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 1/2 घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है। अब हम रोल बनाएंगे। पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे, छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, रोल का शेप दे देंगे। इस तरह से मैं सारे बना लूंगी। मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें क्रश रेड चिली डालेंगे, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने एक अंडा लिया है, इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के मैंने फेंट लिया था, और ये है ब्रेड क्रम्स। अब हम क्या करेंगे, रोल को पहले मैदे के बैटर में रोल कर देंगे अच्छे से, कोट हो जाए, फिर हम इसे अंडे के अंदर डिप कर देंगे। फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसी तरह से हम सारे बनाते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में रखने के बाद भी ये नहीं बराबर से बनते, तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डाल दें, फिर उसके बाद ये बराबर से बनेंगे। अब इसे मैं फिर से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम ये रोल फ्राई करेंगे। हम इसे टर्न करके हर साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो मैं इसे निकाल लूंगी। रेडी है बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही टेस्टी चिकन मायो रोल्स। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।